सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, अपने अपने ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो मैं आया हूँ मुंबई के एक खूबसूरत सी जगह पे। पहले आपको व्यू दिखाता हूँ, फिर उसके बारे में बताता हूँ। तो पहले आप लोग व्यू देखिए। तो मैं आपको बता दूँ कि अभी व्यू दिखाने से पहले कि अभी मॉर्निंग का 8 बज रहा है, अभी तक सूर्य उदय नहीं हुआ है। आप पीछे देख सकते जो कि दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है, 8 बज चुका है। तो अभी पहले व्यू दिखाते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ। सो है गाइस, आप लोग व्यू देख चुके हो। तो मेरे साथ पीछे कौन है? विनोद है। आप इसको जानते हो, यदि नहीं जानते हो तो आप जू वाला ब्लॉग देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये कौन है। तो आप व्यू देख चुके हैं और मैं आपको बता दूं ये कौन सा जगह है। तो ये है मुंबई काटा रोड, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है घूमने के लिए, एक अच्छा जगह है। तो अभी देखो, अब हम लोग काटा रोड में हैं। आप देख ही सकते हो सूर्य उदय नहीं हुआ है और बस मॉर्निंग में निकल गए हैं ब्लॉग बनाने। तो एक भाई से पूछें कि उधर जा सकते हैं कि नहीं, तो भाई ने बोला हाँ जा सकते हो, लेकिन उधर नहीं जाएंगे, क्या पता पुलिस वाला पकड़ ले तो दिक्कत हो जाएगा, इसके लिए हम लोग नहीं जाएंगे। तो विनोद भाई, आप लोगों को कुछ बोलना चाहेगा? गुड मॉर्निंग भाई लोग। तो गुड मॉर्निंग बोला आप लोगों को। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि विनोद कैसा है, नहीं है, ठीक है तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि सुबह सुबह उठ के मेरे साथ में आ गया है, सोया नहीं अच्छे से, मेरे साथ आ चुका है सुबह सुबह उठ के। तो अभी चलो आप लोगों को घुमाते हैं काटा रोड। इधर जो वो साइड आपको दिख रहा है जंगल, उधर एक गार्डन भी है, कोशिश करूंगा उधर जाने के लिए। सो है गाइस, सूर्य उदय हो चुका है, आप देख रहे हो। और कितना बजे हुआ है? 8:10 पे सूर्य उदय हुआ है मुंबई में। गांव में बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि कितना बजे सूर्य उदय होता है। अभी गांव तो हम फिलहाल गए नहीं है 2 साल से, तो हमको उतना पता नहीं है। तो अभी काटा रोड में हैं, बस अभी घूम ही रहे हैं। और आपको जैसे कि बताएं कि अभी चलेंगे वो गार्डन साइड, तो अभी चलते हैं उधर। बहुत ही मस्त ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, सुबह सुबह उठते हैं तो ठंडा बहुत ज़्यादा लगता है, बट यहाँ पे आके ठंडा ठंडा हवा लग रहा है तो मन एकदम फ्रेश, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलो आपको जाते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं है वरना आप लोग भी बोर हो जाओगे। इधर पूरा घूर चुके हैं, विनोद भाई देखो क्या कर रहा है, पानी में तैर रहा है। ठंडी नहीं लग रहा है इसको? तो इधर ठंडी ज़्यादा नहीं लग रहा है, बस हवा चल रहा है। सुबह सुबह उठे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये फर्स्ट टाइम सुबह उठे हैं, वरना मेरा सुबह उठने का समय आप लोगों को पता नहीं है। तो आप लोग मेरा फर्स्ट वाला ब्लॉग देख लीजिए तो मालूम चल जाएगा कि मैं सुबह कितना बजे उठता हूँ। तो पानी ठंडा है कि नहीं, नीचे गया था तो? पानी ठंडा नहीं है। तो यहाँ पे पानी ठंडा नहीं, आप आके नहा भी सकते हो यदि चाहो तो। तो मास्क पहन लिए हैं क्योंकि अभी कैसे सुबह ज़्यादा आ रहा है तो सावधानी रखनी चाहिए हम लोग। अभी मॉर्निंग का समय, इधर भीड़ नहीं है इसके लिए। तो चलो अभी चलते हैं, आपको गार्डन उधर दिखा देते हैं। हवा मस्त लग रहा है, हवा मस्त लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हवा बहुत ही मस्त लग रहा है, आप व्यू देख सकते हो चारों बाजू का, ये पेड़ वगैरह है, उधर बिल्डिंग वगैरह है। अभी चलते हैं उधर गार्डन के बाजू, उधर से आपको थोड़ा व्यू दिखाने का कोशिश करेंगे। और यू टर्न भी जाना है क्योंकि मुझे ड्यूटी भी करना है, मेरा ड्यूटी का टाइम 10:30 है। तो अभी चलते हैं उधर। सो है गाइस, हम लोग आ चुके हैं थोड़ा नज़दीक गार्डन के। तो अभी आप लोगों को बिल्डिंग का व्यू दिखाते हैं, है कि नहीं? हाँ बोल रहा है। तो आप लोगों को पहले बिल्डिंग का व्यू देखिए, फिर आगे चलते हैं गार्डन। सब कबूतर देख ही सकते हो, चलते हैं नजदीक देखो। कितना कबूतर है आप पीछे देख ही सकते हो, अभी उसका थोड़ा व्यू भी दिखाते हैं सिनेमैटिक, जो कि आपको अच्छा लगे।
आ रहा था, मजा आ गया यहाँ पे घूर करके। आप लोगों को मजा आया कि नहीं बताइएगा। अभी चलते हैं गार्डन, ये दिख रहा है इसके बाजू गार्डन है, देख सकते हो बहुत सारा कबूतर है। तो ये जो है ये जो आपको दिख रहा है दीवार, इसके बाजू में गार्डन है, तो अभी उधर ही चलेंगे। तो आप इधर घूम चुके हैं पूरा, पीछे साइड आए थे गार्डन के पीछे साइड, अभी चलते हैं उधर। विनोद भाई आगे ही चले गए, देखो उधर गेट के पास खड़ा है, मेरा इंतज़ार कर रहा है कि कब आएगा। तो ये गार्डन का नाम है और अभी चलते हैं गार्डन के अंदर। गार्डन के बाहर व्यू कुछ इस तरह है, बहुत ही मस्त है। गाइस हम लोग गार्डन आ चुके हैं और गार्डन के अंदर देख ही सकते हैं। तो आपको थोड़ा इधर का व्यू दिखाते हैं, बहुत ही मस्त मस्त व्यू है कि नहीं? हाँ बहुत अच्छा अच्छा व्यू है। अच्छा आपको थोड़ा व्यू दिखाते हैं, गार्डन तो हम लोग घुस चुके हैं, यहाँ पे सब जॉगिंग कर रहे हैं, तो अभी चलो आपको व्यू दिखाते हैं। सो गाइस अभी इधर का व्यू लेंगे जो कि आपको पीछे दिख रहा होगा, इधर मछली भी बहुत सारा है। अभी इधर का व्यू लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। उधर का तो व्यू आपको थोड़ा सा दिखा दें, इधर का भी व्यू दिखाते हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है घूमने में, बहुत ही सुंदर है कि नहीं? बहुत सुंदर है। हाँ तो विनोद भाई भी बोल दिया बहुत ही सुंदर है, तो मज़ा आ जाएगा अभी और घूमते हैं। बहुत सारा चीज़ है, एक वीडियो में तो मैं आपको इतना नहीं दिखा पाऊँगा, आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ तो मैं धीरे धीरे करके आपको दिखाऊँगा सब चीज़। तो चलो अभी थोड़ा व्यू दिखाते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं। और भैया कैसे हो? आप देख ही सकते हो ये मुझसे बात कर रहे हैं। हाय बोल दो सबको, हाय। देखो हाय भी बोल दिया सबको, और इसका भाई लोग उधर है। हाय बोल दो सबको, हाय। तो ये हाय भी बोल दिया आप लोगों से। सो गाइस यहाँ का भी सिनेमैटिक व्यू लेते हैं, बहुत ही मस्त आएगा। और मुझे आता नहीं है सिनेमैटिक व्यू लेना, फिर भी कोशिश करूँगा। मच्छी देख रहा है नीचे, और उसका इसका आप देख सकते हो। क्या होता वो कौन है तुम्हारा, वो कौन है जो उधर बैठा है? थोड़ा जोर से बोलो। मेरा कोई नहीं है, इसका गर्लफ्रेंड है जो कि उधर बैठा है। तभी इधर घूर रहे हैं, वो मच्छी देख रहा है, बहुत सारा मच्छी है इधर आपको दिख रहा होगा। तो वाइट कलर का दिख रहा है उधर, ब्लैक कलर का देखो वो मच्छी है। तो अभी इधर आप और व्यू दिखाते हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। मॉर्निंग में निकले हैं तो कुछ मज़ा आएगा ही ना, तभी और दिखाते हैं आप लोगों को भी। देखो इधर इधर एक भी मछली हम लोग को नहीं दिख रहा है, वो साइड में तो दिखा था है ना। हाँ बाबू इधर नहीं है मच्छी, वही साइड में हम लोग इधर खड़ा है, ये वाला इधर मच्छी नहीं है, वो बाजू मच्छी है जिधर विनोद का गर्लफ्रेंड बैठा है ना। तो आप लोग मच्छी वच्छी देख चुके हो, अभी लेते हैं और थोड़ा सिनेमैटिक व्यू। सिनेमैटिक व्यू लेने आता नहीं है, फिर भी अभी सीख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आगे चल के आप लोगों का अच्छा से अच्छा वीडियो बना पाऊँ, तो आप लोग मेरे साथ जरूर जुड़ें। सो गाइस ये क्या हो चुका है, हाथ मेरा देखो, इधर कबूतर जो कि समझ ही सकते हो इतना बोल दिए तो, कबूतर जो कि बाथरूम कर दिया था उस पर मैंने हाथ रख दिया। विनोद भाई बच गया, हंस रहा है देखो। तो गाइस हम लोग इधर पूरा घूर चुके हैं और आपको व्यू वगैरह भी पूरा दिखा दिए हैं। एक वीडियो में मुमकिन नहीं है कि पूरा ये गार्डन घुमा सके, क्योंकि ये गार्डन में इतना सारा चीज़ है कि आप लोगों को एक वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगा। नेक्स्ट टाइम और कभी आऊँगा तो आप लोगों को दिखाऊँगा। तो विनोद भाई को पूछते हैं कैसा लगा वीडियो, आप ये गार्डन में घूर के
मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो विनोद भाई को भी बहुत अच्छा लगा, आप लोग बताइएगा कैसा लगा। तो वीडियो को करते हैं एंड अभी, क्योंकि हम लोग को ड्यूटी भी जाना है, 10:30 बजे हम लोग का ड्यूटी है, तो इधर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।